समाज की नई सुनहरी किरण बन आए है वो, कहीं छिप गया है संस्कार उसे सिखाने आए है वो, निस्वार्थ सभी की सेवा में अग्रसर रहते हैं वो, क्या कहने ऐसे विराट व्यक्तित्व का, राज सभी के दिल में करते हैं वो। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे व्यक्तित्व की जिसने हमेशा से ही समाज को एक सही आईना दिखाया है, लोगों को प्रोत्साहित किया है, हर पल हर लम्हा हर फन मौला की तरह जीते हैं। वो आज हर लोगों की प्यारी सी मुस्कान है, मिस्टर शरद जी गोपीदास जी बागड़ी। महाराष्ट्र के बहुत ही खूबसूरत शहर मुंबई, जिसे लोग सपनों की नगरी के नाम से भी जानते हैं, ऐसे ही खूबसूरत शहर में बसा है एक प्यारा सा परिवार, बागड़ी परिवार। वो सुनहरी चांदनी रातें दे रही थी खुशियों की लाखों सौगातें, क्योंकि घर आया है एक नन्हा सा मेहमान, स्कूल का दीपक शरद जी बागड़ी। माँ बाबूजी ये अनमोल रत्न पाकर बेहद ही खुश थे, ईश्वर की बारंबार वंदना की। पूरे परिवार में हर्षोल्लास के साथ जन्म दिवस मनाया गया। पूरे परिवार के सभी सदस्यों ने इनके चेहरे के तेज को देख यह कह डाला कि देखना ये एक दिन अपने अच्छे कर्म और संस्कार से पूरे परिवार का नाम गौरवान्वित करेगा, ये एक नया सवेरा बनेगा। जन्म से ही वह बचपन से ही माता पिता नाना नानी के बहुत लाडले रहे। पूरा परिवार भक्तिमय होने के कारण वही आस्था और संस्कार इनमें बस गए। सादगी और सरलता से भरा है इनका स्वभाव। जिस उम्र में बच्चे चंदा मामा की कहानी सुना करते हैं, उस उम्र में ये कईयों प्रकार के ज्ञान से ओतप्रोत ग्रंथ पढ़ा करते, सामाजिक कार्यों में रुचि लिया करते, ऐतिहासिक बातों को जाना करते। कुछ समय बाद ये मुंबई से नागपुर आ गए अपने माँ बाबूजी के साथ। बचपन से ही हर चीजों में एक्टिव रहते, हर वर्क में क्रिएटिविटी दिखाते, पढ़ाई में हमेशा होशियार रहे। सोमलवार हाई स्कूल से इन्होंने स्कूली एजुकेशन किए तथा जीएस कॉलेज से एमकॉम कॉमर्स में किए। लोया एंड बागड़ी कंपनी से इन्होंने सीए किए, मुंबई जमुना बजाज इंस्टीट्यूट से एमबीए किए तथा मुंबई से ही एमकॉम से आईसीडब्ल्यूए किए। सामाजिक पारिवारिक और व्यवसायिक गतिविधियों को पूर्ण निष्ठा के साथ इन्होंने निभाया। हमेशा अपने हर वर्ग में ये पूर्ण योगदान देते हैं, जो भी करते हैं अपने जज्बे और जुनून के साथ करते हैं और उसमें कामयाबी हासिल करते हैं। पढ़ाई के बाद इन्होंने बिरला सीमेंट की एजेंसी ले ली, जिसके ये ऑल ओवर महाराष्ट्र के C&F एजेंट थे। इनके कार्यों में लगन तथा सबसे ज्यादा प्रोडक्ट बेचने पर इन्हें सम्मानित भी किया गया और यह विशेष सम्मान इन्हें 18 वर्षों तक नियमित रूप से मिलता रहा। अपनी व्यवसायिक गतिविधियों के चलते चलते इन्होंने सामाजिक कार्यों को भी नए नए आयाम दिए और जिसके चलते ये सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़ते गए। 1976 से अपने सोशल वर्क की शुरुआत की, जिनमें से रोटरी, लॉयस, जेसिस, NVCC सीमेंट चैम्बर, महेश्वरी युवक संघ और कई प्रकार की सामाजिक संस्थाओं से जुड़कर इन्होंने सामाजिक कार्य शुरू कर दिए। विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे मुद्दों को उठाकर इन्होंने समाज को एक आईना दिखाया। कई लेख अपनी कल्पना से लिखा जो कि वह सराहनीय रहे, हर पेपरों में एक नया रूप मिला। कॉन्सिडेंस इनकी मुलाकात जब श्रीकांत जिचकर से हुई, तब से इन्होंने अपने सामाजिक कार्यों में जुड़ने की रुचि दिखाई और धीरे धीरे इनका कारवा आगे बढ़ते गया। जो भी करते निष्पक्षता के साथ करते, कभी अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं सोचते, हमेशा जो गलत हो रहा है उसे ठीक करने के सुझाव रखते। एक बार का छोटा सा किस्सा है, जब ये रामदास पेट से गांधी बाग आ रहे थे, तब मेयो हॉस्पिटल के सामने अचानक इतना ट्रैफिक बढ़ गया, इसी बीच एक ऑटो रिक्शा में एक बच्चे ने अपनी गोद में उसके पिताजी को सुलाए रखा था, जो कि बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन में था। ये वहीं से अपने स्कूटर से जा रहे थे, इन्होंने देखा और तुरंत एक्शन लिया और उस पुलिस वाले को समझाया, पर पुलिस वाले ने नहीं माना। फिर कमिश्नर सर से इन्होंने बात की, जैसे तैसे उस समस्या को सॉल्व किए। ऐसे हैं शरद गोपीदास जी बागड़ी, कभी गलत हुए वो देख नहीं सकते और अपने लेख में भी हमेशा ये लिखते हैं कि जो इंसान गलत हुए देखता है और वह उसकी मदद नहीं करता, तो स्वयं वह पाप का भागीदारी बनता है। हर इंसान को इंसानियत का पाठ सिखाते हैं। वे कहते हैं कम से कम हमारी मीठी वाणी का उपयोग कर सकते हैं और जो गलत हो रहा है उसे समझा सकते हैं। उनका कहना है अन्याय करना भी गलत है और जो अन्याय सहता है वो भी गलत है। हमेशा अपने माता पिता के ऋणी मानते हैं। वे सदैव कहते हैं कि आज मैं जिस मुकाम पर खड़ा हूँ
और आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ और सिर्फ इसका श्रेय अपने माता पिताजी को देता हूँ। माता पिता के त्याग, तपस्या और पुरुषार्थ, उनके द्वारा दी गई उच्च शिक्षा के कारण ही उन्हें सही संस्कार मिला है, जिसके कारण आज ये एक अच्छे समाज सेवी के रूप में है। हमेशा से ही प्रभु का इन पर विशेष आशीर्वाद रहा। जो भी कार्य करते हुए विधिवत रूप से सही दिशा का प्रारूप बन जाता। शरद जी अपने हिंदू धर्म के प्रति कट्टर है। वह मानना है धर्म हमारे जीवन व हमारे अस्तित्व की नींव है। वे हिंदू धर्म का सदा ही पालन करते हैं व दूसरे धर्मों का सम्मान करते हैं। प्रभु कृपा इन पर सदा ही रही। ये शंकर जी के परम भक्त हैं। सदैव सोचते हैं कि मैं शंकर जी और पार्वती जी के गोद में बैठा हूँ। 1998 में इनकी जीवन रेखा ही परिवर्तित हो गई, जब इन्होंने पहली बार प्रीति सुधा जी को चतुर्मास पर सुना। 4 मंथ तक लगातार इन्होंने उनके प्रवचन सुने, उनके बोले गए वाक्य को दिल की गहराई में पिरो लिए। 1998 से 2002 के बीच ऐसे ही परम ज्ञानी शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जी से इनकी मुलाकात कांचीपुरम में हुई। 4 वर्ष तक अपनी पत्नी के साथ इस मठ में रहकर वहाँ कई ज्ञान की बातें सीखी। वह एक अग्नि परीक्षा से कम नहीं थी। प्रभु की कृपा के साथ साथ सभी लोगों की ब्लेसिंग भी इनके साथ रही। एक बार कार्तिक पूर्णिमा के दिन कांचीपुरम में एक पूजा रखी गई, जो कि यह पूजा जयललिता के लिए रखी गई थी। पर प्रभु का करिश्मा देखो कि जो श्री यंत्र शंकराचार्य जी जयललिता को देने वाले थे, वह इनकी पत्नी को आदर पूर्वक सम्मान के साथ दिया गया। वह एक चमत्कार से कम नहीं था। दूसरे दिन इन्होंने कहा कि आपने श्री यंत्र तो दे दिया, पर इसकी गुरु दक्षिणा। फिर विधिवत मार्केट से सारी पूजन सामग्री खरीद कर उसकी हवन पूजन कराई गई। उस दिन उनकी आंखों से आंसू निकल गए थे, इतना बड़ा ब्लेसिंग इन्हें जो मिला था। कहते हैं जो सदा ही सबके हित में सोचता है उसकी मानवीयता की रक्षा के लिए आगे बढ़ता है। प्रभु स्वयं उसकी हर पल हर हाल में मदद करते हैं, किसी न किसी रूप में आकर। सन 2002 में पूरे विदर्भ में एक भयानक बीमारी का प्रकोप था, जिस बीमारी का नाम था दिमागी बुखार। अचानक इनकी पत्नी को इस बीमारी ने घेर लिया और इनकी पत्नी कोमा में चली गई। उस समय इनके इलाज में इतना पैसा खर्च हो गया कि सिर्फ उनके पास एक कार ही बची थी। सुबह सुबह घर के मंदिर में हताश होकर सोच रहे थे कि आगे क्या होगा। उसी समय उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई दैवी शक्ति उनके सिर को छूकर उन्हें अनुभूति दिला रही है कि तू चिंता न कर, सब ठीक हो जाएगा। और ऐसा करिश्मा हुआ कि उनके आशीर्वाद से सब कुछ पहले जैसा ठीक हो गया। इतनी भी विषम परिस्थिति हो डटकर सामना करते हैं, कभी उनके पैर डगमगाते नहीं हैं। जो बातें सही हैं उसे बोल देते हैं। हमेशा सीखने की जिज्ञासा है। कोई इनसे बड़ा हो या छोटा हो, उनसे जो भी मिल जाए उसे वो अर्जित कर लेते हैं। वे कहते हैं सीखने की पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। सीखते जाओ, नए जमाने के साथ अपडेट होते जाओ, नई नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करो। फेसबुक व्हाट्सएप का सदुपयोग करो, उसमें ऐसे पोस्ट सेंड करो जिससे समाज को नई सीख मिल सके। इंटरनेट का यूज सिर्फ मूवी देखना या गाना सुनना नहीं है, बल्कि आप गूगल से ढेर सारी जानकारी भी ले सकते हैं। पर वही इंटरनेट से आज रिश्ते भी फीके नजर आते हैं। आज हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, इंटरनेट है, तो इंसान अपनों को न देखकर उसे ज्यादा टाइम देता है। समाज को हमेशा दूरदर्शिता दिखाते हैं, वे इन मुद्दों को अपने मंच पर बोलते हैं, सभी को समझाते हैं कि चाहे दुनिया कितनी भी बढ़ गई हो, विज्ञान कितना भी बढ़ गया हो, पर इंसान के रिश्तों से बड़ा नहीं है। रिश्ते का महत्व समझिए, मान सम्मान दीजिए, अपने परिवार को टाइम दीजिए, नहीं तो एक दिन ये दुनिया सिर्फ मशीनों से बात करती नजर आएगी। आज हर इंसान पैसों के पीछे भागता है। यदि वह अपने कार के पीछे भागेगा तो पैसा उसके पीछे भागेगा। ये हमेशा कहते हैं कि लक्ष्मी को पाना है तो विष्णु बनो, अर्थात उनके सद्गुणों को अपनाओ, सादगी, सच्चाई और सरलता को। लक्ष्मी सदा ही आपके पास रहेगी। समाज को यदि ऊंचाइयों में ले जाना है तो हमें खुद को बदलना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, जीवन के पहलू को समझना पड़ेगा। लोकमान्य तिलक जी कहते हैं कि व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज और समाज से देश बनता है, और यदि देश को सुधारना है तो खुद को सुधारना पड़ेगा। आज इनके तेजस्वी भाषण और इनके शब्दों की गरिमा इतनी अद्भुत है कि आज हर कोई इन्हें सुनना चाहता है, इनकी बातों को लोगों तक शेयर करते हैं। हमेशा अपनी वाणी में काव्यात्मक शैली और गंभीरता से उसका व्याख्यान करते हैं। आज इन्हें एक इंटरनेशनल, नौ नेशनल,
और 27 स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 110 संस्थाएं जैसे महेश्वरी, जैन, मुस्लिम, लायंस गवर्नर, रोटरी गवर्नर, केंद्रीय मानवाधिकार, टाइम्स ऑफ इंडिया, विभिन्न सामाजिक संस्थाएं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी और भी राज्यपालों द्वारा सम्मानित किया गया। अपनी इस कामयाबी के पीछे अपने माता पिताजी, इनके छोटे से परिवार, बेटा वेदांत, बेटी गीतिका, बहू यशश्री, पोती वेदिका का इन्हें सदैव ही सहयोग मिला है। और इनके साथ साथ कुछ ऐसे महानुभाव व्यक्ति हैं और ऐसे मित्र हैं जिन्हें ये दिल से मानते हैं। ये कहते हैं, ये नहीं होते तो शायद लाइफ कुछ और ही होती। समाज सेवा में आने की शुरुआत राजेश जिंदल जी से हुई। आज ये इनके बेहद ही खास मित्र हैं। वे कहते हैं, इनकी प्रेरणा से ही आज ये इस शिखर पर पहुंचे हैं। नागपुर के बड़े ही सम्मानी डॉक्टर श्री संतोष जी मोदी, जो कि आज 500 पेशेंट को फ्री में इलाज देते हैं, इन्हें देख उनसे भी इन्हें प्रेरणा मिली। कहते हैं, सही हीरे की तलाश करना है तो उसे सही जौहरी मिलना जरूरी है। इस हीरे को परखा प्रशांत पिंपलवार जी ने। सन 2013 में उनके ऑफिस में बैठे बैठे प्रशांत जी की कल्पना थी, बागड़ी जी आप एक बड़े प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं, आप एक अच्छे मार्गदर्शक बन सकते हैं। और वो दिन और आज का दिन है। प्रशांत जी ने इस प्रक्रिया में अपनी अहम भूमिका निभाई और जो भी करते हैं हमेशा निस्वार्थ करते हैं। शरद जी के जीवन में हर तकलीफों में ऐसे ही इनके एक और खास दोस्त हैं, बड़े भाई बनकर इनका साथ दिया, विपिन कुठारी जी और रीता भाभी जी ने। इनका मूल सिद्धांत है, जो इंसान अच्छे कर्म करता है उसे वह सब मिल जाता है जिसकी उसे चाह है। हर इंसान में काबिलियत है, पर जरूरत है उसके अंदर की प्रतिभा को समझने की। जिसने उसे समझ लिया, कामयाबी उसके कदम चूमती है। आज पूरे समाज के गौरव हैं, इन्हें सम्मान पूर्वक याद किया जाता है। सभी के प्रेरणा स्रोत बने, मार्गदर्शक बने, देश, समाज और पूरे परिवार के नवीन आयाम स्थापित किए। आज आपका जन्मदिन है और आज का दिन बड़ा ही गौरवशाली है, क्योंकि आप ही हमारे गौरव हैं, अभिमान है, सम्मान है, पूरे परिवार की बेशकीमती धरोहर और शान है। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कान बांटते रहिए। आप जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000 साल। हैप्पी बर्थडे टू यू शरद जी गोपीदास जी बागड़ी। हैप्पी बर्थडे टू यू।